खबर है कांकेर से, जहां सीएम भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। एक निजी होटल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस एक्टिव है। प्रत्याशियों ने आज अपने नामांकन भी दाखिल कर दिए हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। एक निजी होटल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक कर रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार एक्टिव है और उपचुनाव को लेकर एक बैठक रखी गई है एक निजी होटल में, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से उपचुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। तो कांकेर से खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है। एक निजी होटल में सीएम भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। और खबर पर हम और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेंगे। संवाददाता कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलेश्वर, भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए, पर्चा भर दिया गया है, प्रदर्शन भी देखने को मिले, रैली भी देखने को मिली और अब एक बैठक कार्यकर्ताओं के साथ। देखिए बिल्कुल, सीएम भूपेश बघेल जो है मुख्य रूप से इस बैठक में मौजूद हैं और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी हैं, क्योंकि नामांकन अब कांग्रेस प्रत्याशी का दाखिल हो चुका है। अब आगे की रणनीति हमारी क्या रहेगी, किस तरह से हमको जनता के बीच में जाना है, क्योंकि सावित्री मंडावी जो है वो सत्ता और संगठन दोनों से काफ़ी दूर रही है, राजनीति से बहुत दूरी बनाकर रखी थी और ऐसे में अब उपचुनाव हो रहे तो निश्चित तौर पर उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ नया है। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं मनोज मंडावी के साथ रहकर काफ़ी कुछ सीख चुकी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन का अहम रोल जो है इस उपचुनाव में रहेगा। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उन लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसी को लेकर कांकेर के एक निजी होटल में बैठक चल रही है, इसमें खुद सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम से तमाम जो मंत्री हैं, करीब 6 से अधिक मंत्री जो है इस बैठक में शामिल है। कुल मिलाकर जो तमाम पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको कब कब आना है, कौन कौन से क्षेत्र में जाना है, कौन कौन से ब्लॉक में जाना है, तो तमाम बारीकी से जो इस बैठक में जो है चर्चा की जा रही है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काफी अहम बैठक जो है उपचुनाव को लेकर ही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुलेश्वर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले रहे हैं।